अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल PRSTN News को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का PRSTN News में। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। बस्ती के सिरका का नाम सुनते ही मुंह में आ जाएगा पानी। देश ही नहीं विदेश के लोग भी करते हैं ऑर्डर। सिरका तो अब बाजार में भी मिलता है, कई नामी गिरानी कंपनियां इसका निर्माण करती है, पर बस्ती के सिरका का कोई जवाब नहीं। यहां के सिरके का सिर्फ नाम लेने से शौकीनियों के मुंह में पानी आ जाता है। बस्ती के सिरका की बड़ी खासियत है, यही कारण है कि यहां का सिरका दूर दूर तक लोग खरीद कर ले जाते हैं। कभी घरेलू प्रयोग के लिए तैयार होने वाले सिरकों को एक जिला एक उत्पाद के पंख लगे तो वो कारोबार की दुनिया में उड़ने लगा है। उसके महक चहुआर फैल रही है। कोरोना काल में जहां अन्य कारोबार संकट में रहे, अपने आयुर्वेदिक गुणों के कारण सिरके ने अपना कारोबार बढ़ा लिया। अभी 2 साल पहले शामिल हुआ ODOP में सिरका को 2 साल पहले ODOP में शामिल किया गया तो उद्योग विभाग से 25% अनुदान के साथ ऋण मिलने लगा। कोरोना काल में भी 3 उद्यमियों ने ऋण लेकर काम बढ़ाया। 12 से अधिक उद्यमियों ने उद्योग विस्तार का आवेदन किया है। 2 सत्र में 50 व्यक्तियों को उत्पादन, विपणन और ब्रांडिंग का प्रशिक्षण दिया गया। नतीजा 2 साल में हाईवे पर दुकानों की संख्या 30 से बढ़कर करीब 100 हो गई। वहीं कारोबार का आंकड़ा 5 करोड़ पर आ गया। हजारों सिरका की दुकानें सिरके इस मांग के चलते बस्ती अयोध्या हाईवे पर केशवपुर गांव हब बन गया है। विक्रमजोत केशवपुर के बीच हजारों दुकानें हैं, ढाबे पर भी सिरका बिक रहा है। रागीर खरीदारी करते ही हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार और नेपाल के लोग ऑर्डर देकर आते हैं और सिरका ले जाते हैं। केशवपुर के महेश शर्मा, शुभारम्भ यादव, श्रीराम यादव, झिनकू गणेश और दिव्यांग संजय सिंह कहते हैं सिरके ने गाँव की जिंदगी बदल दी है। नमस्कार, मैं अभिषेक सूर्यवंशी, आप देख रहे हैं PRSTN News। आज हम आए हैं बस्ती बस्ती और गोंडा के बॉर्डर कौवा चौकी के पास। मशहूर सिरका, सिरके के साथ साथ ये और क्या क्या बनाते हैं और इसकी प्रसिद्धता का मुख्य कारण क्या है, आइए उनसे मिलते हैं, छोटी सी मुलाकात के साथ उनके बारे में जानते हैं। नमस्कार, हाँ, हम तो गोरखपुर के रहने वाले हैं, लेकिन हम कभी भी अगर रुक से गुजरते हैं तो शुक्ला जी के यहाँ जरूर रुकते हैं, इसलिए कि यहाँ पे हमारे पिताजी यहीं पर रुदौली में शांत करते हैं और यहाँ का सिरका कहिए या पेड़ा कहिए या यहाँ पर जो भी आइटम बनता है, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और मतलब क्वालिटी हो, सिरका तो हर जगह मिलता है लेकिन शुक्ला जी के सिरके की एक क्वालिटी हो कि जो घर पे हम लोग खाते हैं तो लगता है कि एकदम ओरिजिनल चीज अपने घर का चीज खा रहे हैं। करीब करीब 13-14 साल हो गया, 13-14 साल हो गया और परमानेंट जब भी अगर महीने में दो बार भी आएंगे तो 2 बार हम यहाँ जरूर रुकेंगे, नहीं कुछ करेंगे तो पेड़ा जरूर आना खाते। इनकी तो कई एकड़ की गन्ने की खेती होती है और मैं पूरा इनका जानता हूँ। नोएडा पे जब यहाँ की ये तारीफ करके दुकान की नोएडा की तारीफ की दुकान की हमने लिया, हम भी चेक करेंगे। ये डॉक्टर उत्तम कुमार जी हैं, नोएडा से ही है, हमारे साथ काम करते हैं। हमने कस्टमर से मुलाकात की है, इनके बारे में जाना, आइए शुक्ला जी से स्वयं मिलते हैं, उनकी क्या राय है उनकी दुकान के बारे में और उनके आस पास जो कॉम्पिटिटर और भी दुकानें खुली हैं उनका नाम, उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और भी दुकानें उनके बारे में सुनते हैं। खराब है, जब भी आता हूँ इनका जरूर के यहाँ से अचार, उनके आम के अचार है और जो मिक्स के अचार है, लहसुन वाले ये बहुत ही अच्छे और लाल मिर्च वाले अचार जो भी रखते हैं ये बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, हम आपकी तारीफ काफ़ी सुन चुके हैं, आस पास के जिलों में भी आपकी सुविधा चलती है। वैसे यहाँ पे एक तो बोर्ड अभी मैं आ रहा था रास्ते में और भी एक दो लोग शुक्ला जी का सिरका नाम भैया हो गया है,
शुक्ला जी का मशहूर सिरका के नाम से वोट लगाए हुए थे। वैसे मैं कंफ्यूज हो गया, आपकी दुकान लगभग कितनी पुरानी है? 22 साल पुरानी दुकान है। अब मेन ऑनर आप ही है या पिताजी? पिताजी 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 का सुनना, पिताजी के सबसे बड़े लड़के हैं। पिताजी का सुनना क्या पड़ेगा? सभापति शुक्ला सर। आपको क्या नाम पड़ेगा? वेद प्रकाश शुक्ला। सर जाना चाहिए कौन कौन से प्रोडक्ट आप बनाते हैं? बाकी मेरे तो आप बताया नहीं है आपको, आपके जो कस्टमर थे मैंने उनसे ही मुलाकात की, आपके बारे में उनसे ही मैंने जाना, फिर हमने सोचा आपसे भी मिलें और जान लें कि आप कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, कहाँ पे उसको स्टोर करते हैं, सिरके की क्वालिटी आप ही जानते हैं। अब हम आपसे जाना तो हम नहीं जानते, लेकिन हम भी जानना चाहिए कि आप फेमस चाहते हैं कि जैसे अभी मैंने कई कस्टमर नोएडा से आ रहे थे, अरे इसे बोल दो यार, अबे 300 लगाओ आधा किलो दो 150। लेकिन सिरका जो लोग बनाते थे जैसे औरतियाँ औरतें घरों में पहले पौराणिक पद्धतियों से सिरका बनाती है, आधा किलो दो आधा किलो 4.5 से 5 महीना लगता है उनका सिरका बनने में, उसी विद्यालय वही पद्धति है। हम लोग सिरका बनाते हैं, हम लोग मिट्टी बर्तन में बनाती थी, हम लोग प्लास्टिक डब में बनाते हैं, 4.5 से 5 महीना लगता है हमारा सिरका बनने में, लेकिन उस सिरके को हम लोग 1 साल और पुराना करके बेचते हैं, इससे उसकी क्वालिटी और मेंटेन हो जाती है। यही सिरके की खूबी है, जो एक बार लेकर के जाता है उसके रिश्तेदार कहते हैं कि भैया पेड़ा और मिठाई मत लाइएगा, लेकिन शुक्ला जी के यहाँ का सिरका जरूर लेके आइए। ठीक, सिरके के अलावा अचार कौन कौन से अचार और क्या क्या चीज़ें बनाते हैं? अचार में हम लोग कई किस्म के अचार तैयार करवाते हैं, जैसे अदरक मिक्स, आम मिक्स, नींबू, सूरन, कटहल, आम, हरा मिर्चा। अब ये हम लोग टोटल जो मसाला हल्दी धनिया अमरैल जीरा ये टोटल लंबा कर लिया, अपने यहाँ मसूर लगवाए हैं, पिसाई करवाते हैं, और पिसाई करवा करके तक करवाते हैं, तेल भी खुद का तैयार करवाते हैं मसूर का, इसीलिए उसकी क्वालिटी में तेल है और स्वाद जो बनता है तेल मसाले के ऊपर निर्भर रहता है, इसलिए क्वालिटी से समझौता हम लोग कहीं नहीं करते हैं। लेकिन उसके लिए भी व्यवस्था हम लोग बनाने जा रहे हैं, उसके लिए भी व्यवस्था हम लोग बनाने जा रहे हैं। मुरब्बे का आप हम लोग जहाँ से मुरब्बा बनाते हैं, जैसे मेरा सिरका है क्वालिटी का, वैसे उसका मुरब्बा लड्डू भी डाल कर दीजिए, फिर आंवले का 2-3 आइटम बस डाल करेंगे, बता करते हैं मुरब्बा लाते हैं और ये हासिल करते हैं। शेष आइटम हम लोगों का हमारी सिरके के लिए मसाला तैयार करना, क्या क्या डाला ये सेब का सिरका है सर, थोड़ा कवर कर लीजिए। ये क्या है सर? सर ये सेब का गूदा। अच्छा, सेब का गूदा, उससे जो रस निकलता है इसको स्टोर करते हैं यहीं पे। अब ये वैसे तो गारा नहीं जाएगा, इसमें डालने के बाद फिर वही जी थोड़ा थोड़ा करके निकलता है। तो कितने दिन तक इसको रखते हैं? इसको अब उठा के फेंक दिया जाएगा। कितने दिन तक स्टोर करते हैं? कम से कम 5 से 6 महीने का प्रिजर्वेशन होता है। और भी गड़ा पीछे पीछे और भी इधर जामुन के भी सब्जी, गन्ने का सिरका, गन्ने का इसको जामुन वाला इधर रखा। कितने टाइम से इसको स्टोर किए हुए? ये गन्ने पेराई शुरू हो जाती है 15 अक्टूबर के बाद। जामुन
अच्छा, इसको जामुन जामुन को कैसे करके इसमें डालते हैं? जामुन हम लोग इसमें सड़ाते हैं, पानी डाल के, कुछ पानी डाल के, कुछ पानी डाल के, उसके बाद फिर उसका जूस निकाल के तब डाला जाता है सड़ने के लिए। जब जामुन एक हफ्ते दशे में सड़ जाती है तब उसको दबाया जाता है, जब तक गलेगी नहीं पूरा तब तक उसका जूस निकलेगा नहीं। सिरका चाहे जो भी होगा वो कम से कम 5 से 6 महीने का प्रिजर्वेशन होता है, उसके पहले अगर बनाएंगे तो वो खराब हो जाएगा। इसको अब इसी में स्टोर रखेंगे लगभग? हाँ, इसी में रहेगा, जब भी बेचना हो तो उसी में से बोतल भर के जाएगा। और अभी तैयार भी होता है? तैयार जो कम्प्लीट होता है 6 महीने हो गए पूरा। ये 40 से 50 महिलाओं को रोजगार हम लोग 4 महीना देते परमानेंट। अब 12 मास के लिए कम से कम 15 से 20 औरतें 12 मास काम देते हैं, औरतों का काम जाने लगता है, और पुरुष भी कम से कम 10 से 12 रहते हैं। लगभग एवरेज 30 से 40 लोग आपके यहाँ काम करते हैं, 3-4 महीने लगभग 20 से 25 औरतें, 4 महीने 20 से 25 औरतें जी, और परमानेंट आपके यहाँ औरतें 15 से 20 औरतें परमानेंट हैं, और 15 से 20 जेंट्स भी 10 से 12। सर कहना चाहेंगे ये जो वर्कर्स हैं आपके आस पास के ही हैं या लोकल के? लोकल के, 3-4 गाँव के हमारे पड़ोस के हिसाब से। लोकल के ही आसपास के लोगों को इन्होंने अपनी तरफ से रोजगार भी दे रखा है, और आपने देखा जैसा कि इतना बड़ा गोडाउन और कैसे शुद्धता की क्वालिटी आपको हमने दिखाई, किस तरीके से इन्होंने उसको तैयार किया है और क्या क्या प्रोडक्ट है। अच्छा, अचार और अमला कैंटीन किया सर? अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, मैं इनके यहाँ से दिल वाला फूल है वो ले जाता हूँ, अचार ले जाता हूँ, सिक्का भी ले जाता हूँ, देगा जब इधर से गुजरना होता है तो कुछ जरूर देगा। लेता हूँ जो आचार वगैरह मिलता है उससे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। काम भी अच्छा कर रहे हैं, 3 से 4 गांव के लोगों को हमने रोजगार भी दिया, प्रयास भी आगे के लिए कर रहे हैं कि कम से कम और भी 10-20-30 लोगों को जोड़ा जाए रोजगार के लिए। यही मेरा कहना है, इसकी यही जिंदगी जरूर आपका सहयोग करेगा और आप आगे बढ़ेंगे, हमारी भाई के लिए कि आप आगे बढ़े। अपने लिए तो हर आदमी काम करता है, लेकिन हम अपने लिए भी कर रहे हैं, लोगों के लिए भी कर रहे हैं, साथ साथ लोगों को किसी तरह लोगों की भी रोजगार दिया जाए, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर देख ही रहे आप। तो यही एक विकल्प है, हर प्रोडक्ट बढ़ाया जाएगा, कोई प्रोडक्ट को अगर बढ़ाया गया तो उसमें 3-4 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा निश्चित रूप। और हम अपने ग्राहक बंधुओं से अनुरोध करता हूँ कि जो लोग मेरी नकल कर रहे हैं, इसी तरह दुकान बना रहे हैं और इसी तरह का सामान बेच रहे हैं, ये लोग इस तरह का करके बेच रहे हैं कि बोला जी हमारे भाई हम लोग अलग कर दिए हैं, हम लोग यहाँ दुकान कर रहे हैं, वो लोग यहाँ कर रहे हैं। इस तरह लोगों को गुमराह किया जा रहा है मेरे कस्टमर को, और गुमराह करके गलत काम कर रहे हैं। इसलिए हम ग्राहक बंधुओं से अनुरोध कर रहे हैं कि हर चीज़ जान करके परख करके तभी सामान ले, क्योंकि सेम उसी तरह मॉडल बना रहे हैं, जैसे हम रेलिंग बना दिए तो रेलिंग बना दिए, हाफ शटर की दुकान निकाले तो हाफ शटर की दुकान कर दी, इसी तरह मेरी नकल को विशुद्ध कर रहे हैं। लेकिन मैं ग्राहक बंधुओं से यही अनुरोध कर रहा हूँ कि जो भी सामान ले वो चेक करके ले, चाहे जिस दुकान पर खड़े हों, जो अच्छा लगे उनको वही। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें इतना कीमती समय दिया, आपकी दुकान पे आकर हमने भी देखा क्वालिटी और आपके बारे में जान के हमें बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अगली खबर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए PRST न्यूज। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है www.prstnews.in।